हाय गाइस, मेरा नाम है के, सुनाता हूँ आज आपको एक प्यारी सी कहानी। महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। वन में काफ़ी चलने के बाद दोपहर में वृक्ष तले विश्राम को रुके और उन्हें प्यास लगी। आनंद पास स्थित पहाड़ी झरने पर पानी लेने गया, लेकिन झरने से अभी अभी कुछ पशु दौड़ कर निकले थे, जिससे उसका पानी गंदा हो गया था। पशुओं की भाग दौड़ से झरने के पानी में कीचड़ ही कीचड़ और सड़े पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। गंदा पानी देख आनंद पानी बिना लिए लौट आया। उसने बुद्ध से कहा कि झरने का पानी निर्मल नहीं है, मैं पीछे लौटकर नदी से पानी ले आता हूँ। लेकिन नदी बहुत दूर थी तो बुद्ध ने उसे झरने का पानी हिलाने को वापस भेज दिया। आनंद थोड़ी देर बाद फिर खाली हाथ लौट आया। पानी अब भी गंदा था, पर बुद्ध ने उसे इस बार भी वापस भेज दिया। कुछ देर बाद जब तीसरी बार आनंद झरने पर पहुंचा तो देख कर चकित हो गया। झरना बिल्कुल साफ और निर्मल था, शांत हो गया था, कीचड़ बैठ रहा था और जल बिल्कुल निर्मल हो गया था। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि यही स्थिति हमारे मन की भी है। जीवन की दौड़ भाग मन को विक्षुब्ध कर देती है, मत देती है, पर कोई यदि शांति और धीरज से उसे बैठता देखता रहे तो कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाता है और सहज निर्मलता का आगमन हो जाता है। इसलिए लाइफ का डिसीजन लेने से पहले एक बार शांति से बैठकर सोचें, उसके बाद अपनी लाइफ को डिसाइड करें किधर लेके जाना है।